तो किस तरह का उपचार अभी हो रहा है? अभी तो जैसे डायग्नोसिस हो जाता है डायबिटीज वगैरह का, जो रैंडम वाला होता है, बीपी वगैरह ले लेते हैं, और कोई फीवर वगैरह है तो उनका थर्मामीटर से टेम्परेचर वगैरह ले लेते हैं। पेशेंट भी आ चुके हैं, देख सकते हैं, क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं दिक्कत है, खाना और खाए में नहीं निक लागे छे, मुंह और तीत लागे। जो भवन बना है इसमें क्या क्या सुविधाएं होने वाला है, क्योंकि भवन तो लंबा चौड़ा बना है? हाँ जी, पहली बात तो फर्स्ट उपकेंद्र का यही होता है कि फर्स्ट एज पहला डायग्नोसिस यहाँ से हो जाए। अगर नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। ही मैं मौजूद हूं सुपौल के नेमनमा राजपुर पंचायत, जो कि आपको किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो रोड है इधर आपको दिखाना चाहेंगे, सुपौल टू सरायगढ़ भपटियाही, ये SH 76 है, ये मेन रोड है। और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे नेमनमा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, और क्या कुछ इसकी स्थिति है, क्या हालात है, ये हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जहाँ एक तरफ आप हर एक जगह, हर जिला, हर प्रखंड स्तर पर देखते होंगे किस तरह से बदहाली रहती है उप स्वास्थ्य केंद्र पर। बहुत जगह तो भवन इतना जर्जर रहता है, और बहुत जगह तो न नर्स, न कंपाउंडर और न ही डॉक्टर आते हैं, ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। तो ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र नेमनमा प्रखंड किशनपुर। तो आइए, क्या कुछ यहाँ पर सुविधा है, और एक मैडम को भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ सुविधा है यहाँ दिखाने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? स्नेहलता उरा। अच्छा अच्छा, आप पोस्टेड हैं यहीं पे? जी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। अच्छा अच्छा, तो स्वास्थ्य केंद्र का जिस तरह हम लोग बराबर जो है निरंतर देखते हैं, बहुत जगह इतना ज़्यादा बदहाली, इतना ज़्यादा स्थिति खराब रहता है कि वहाँ पे उपचार का तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ कोई आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे, यहाँ भी पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पहले से मैं देख रहा था लगातार ये बंद ही था, लेकिन इधर कुछ महीने पहले से जो है मैं देख रहा हूँ ये संचालित हो रही है। और पहले क्यों बंद था, अभी क्यों चालू है, क्या कुछ सुविधा है, ये हम सारी जानकारी लेते हैं। मैडम, पहले बंद रहता था ये उपस्वास्थ्य? पहले का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जुलाई 2021 से यहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो लगातार खुल रहा है, लगातार खुला हुआ है तब से, 7 जुलाई 2021। जुलाई 2021 यानी कि लगभग एक साल क्रॉस कर गया, क्रॉस कर गया है। पहले लेकिन बंद रहता था? पहले का मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं जब से पोस्टेड हूँ तब का मुझे पता होगा ना, पहले का मुझे कैसे? अभी सिर्फ आप सिंगल यहाँ पोस्टेड हैं या और कोई है? अभी तो एक ANM थी मेरे साथ यहाँ पे। अच्छा। लेकिन वो खखई बगल में है, वहाँ डिलीवरी वार्ड चालू किया गया है, तो उनका वहाँ अभी कुछ दिन के लिए पोस्टेड किया गया है उनको। नहीं तो एक ANM और एक क्षेत्र में भी ANM रहती है जो RI का काम करती हैं। क्षेत्र मतलब किस लेवल पर? पंचायत लेवल पर? पंचायत लेवल पे। अच्छा अच्छा, ANM रहती है? जी, एक ANM रहती है। तो आप जो है मैम यहाँ क्या क्या देखते हैं, आपका क्या क्या काम यहाँ पे अभी जो? और साथ में आइए, अंदर आके हम थोड़ा सा दिखाना भी चाहेंगे क्या कुछ सुविधा है, क्या क्या मेडिसिन है। देख सकते हैं ये जो है आलमीरा है, और किस तरह से ये फ्रैक्चर हो चुका है, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये रूम है जो उप स्वास्थ्य केंद्र का, चूँकि दो रूम का ये मकान है, पहले से बना हुआ पुराना भवन है, और इसकी क्या स्थिति है वहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं, खिड़की टूट गया है और ईंट के सहारे जो है उसका। बिजली की सुविधा तो है, लेकिन उस तरह से कहीं कुछ यहाँ नहीं है, उस तरह से देखिए तार के सहारे लगा हुआ है, छोटा सा एक बोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है, मतलब काम चलाया जा रहा है किसी तरह से। अच्छा मैम, यहाँ पे उपचार अगर देखा जाए तो किस तरह का उपचार अभी हो रहा है? अभी तो जैसे डायग्नोसिस हो जाता है डायबिटीज़ वगैरह का, जो रैंडम वाला होता है, BP वगैरह ले लेते हैं, और जैसे अगर कोई किन्हीं को फीवर वगैरह है तो उनका थर्मामीटर से टेम्परेचर वगैरह ले लेते हैं, और टेली कंसल्टेशन होता है, जितना हो पाता है दिन भर में उतना हो जाता है, और पेशेंट से भी बात करवा देते हैं,
और अभी थोड़ी छठ की मतलब छुट्टी का भी ये है तो पेशेंट सब अभी कम है, नहीं तो यहाँ पेशेंट आते हैं क्योंकि जस्ट रोड के बगल में है इसलिए भी ध्यान दिया जा रहा है। तो बिल्डिंग अभी इधर मतलब आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है जनवरी से शुरू हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल हाँ, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र है वो पहले से है, कहीं भी नवनिर्मित नहीं किया गया है या नया जो है उद्घाटन नहीं हुआ है, जो भी पहले से पुराना है वो चल रहा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि उप स्वास्थ्य केंद्र का कहीं ना कहीं बहुत ही जो है महत्ता है, अपने एक इसका जो है बहुत ज़्यादा महत्ता है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे जो हमारे जो जिला लेवल पे हॉस्पिटल होता है, सदर अस्पताल है, चूँकि काफ़ी दूर दूर से अगर कहा जाए कि सुदूर क्षेत्र से लोग चाहेंगे छोटी मोटी बीमारियों को लेके इलाज करवाने के लिए, तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा दूरी का तय करके जाना पड़ता है जिला अस्पताल में। लेकिन वहीं पे एक अच्छा भूमिका निभाता है ये उप स्वास्थ्य केंद्र, ये समझना होगा हम लोगों को। और जहाँ भी है सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से भी, तेजस्वी जी से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, ऐसे भी बहुत अच्छा पहल हो रहा है उनके तरफ से जब से उनकी सरकारें आई है, हम लोग भी देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में ये काफ़ी जो है ज़रूरत है। जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र है इनको नवनिर्माण नवनिर्मित करना, नया भवन का निर्माण करना और जीर्णोद्धार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों छोटी मोटी अगर मान लीजिए किसी का पेट में दर्द हुआ मैडम, किसी का हल्का बुखार आया, छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ से जो है 15-20 किलोमीटर जिला अस्पताल, यहाँ भी कुछ कुछ मेडिसिन मिल जाती है। हम टेली कंसल्टेशन कराते हैं और हम लोगों को एक ऐसा 6 महीने का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया गया है जिससे हम लोग फर्स्ट स्टेज का डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ दवा वगैरह मिल जाती है उसके लिए, फर्स्ट स्टेज का इलाज आप कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग का जो भी पदाधिकारी है, उच्चाधिकारी हैं, प्लीज़ इस पे विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और हो सके तो एक डॉक्टर का भी प्रतिनियुक्त कीजिए हर एक जो है उप स्वास्थ्य केंद्र पर, ताकि अगल बगल के जो छोटी बड़ी बीमारी होती है वो उसका इलाज सही ढंग से हो सके। क्योंकि साफ तौर पर अगर देखें तो आम पब्लिक की जो है हम अगर दुख दर्द को समझें, तो मान लीजिए जहाँ 20 किलोमीटर एक छोटा सा मान लीजिए पेट में दर्द हो गया, तो एक वहाँ जाएगा तो उनको एक या दो टेबलेट मिलेगा मुश्किल से। प्लीज इस पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, चूँकि छोटा मोटा बीमारी को लेके जिला अस्पताल नहीं जाना पड़े और उसका इलाज जो है हमारे हर एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर ही जो है उपलब्ध हो। आप आए हैं कुछ इलाज उलाज कराने का? हाँ सर। किधर घर हुआ? राजपुर। अच्छा, राजपुर बगल में। हाँ। तो एक पेशेंट भी आ चुके हैं, देख सकते हैं क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं दिक्कत है, खाना और खाए में नहीं निक लागे छे, मुंह और तीत लागे रहे छे हर हमेशा। अच्छा अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम है कुछ इसको डाइजेशन से रिलेटेड। तो क्या यहाँ पे और पहले भी आप लोग कभी आए हैं कि पहली बार? नहीं जाने रही हम, कोई कहल के तब एलिए। नहीं जान रहे थे? अच्छा अच्छा, चलिए, कहीं ना कहीं मालूम नहीं था। तो आपको बता दें कि ये हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे पंचायत में, तो अच्छी बात है। और आप लोग को कोई भी छोटा मोटा दिक्कत होता है तो ज़रूर जो है यहाँ मैम से संपर्क कीजिए, आइए यहाँ पे फर्स्ट एड जो कहा जाता है, पहला उपचार जो होता है यहाँ उपलब्ध है, ठीक है। और आप लोग को जानकारी होनी चाहिए और गाँव में भी बताइएगा लोगों को, ठीक है? हाँ, जैसे आपको पता नहीं था उसी तरह से हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो इसके बारे में आप गांव में भी बताइएगा कि हाँ अपने पंचायत में देखिए यहाँ पे छोटा मोटा इलाज होता है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ भवन जो निर्मित हो रहा है, जो निर्माण हो चुका है, देख सकते हैं साफ तौर पे जो नया भवन का निर्माण हो चुका है और इसका जो है कार्य प्रगति पे है, कुछ कार्य बाकी है, पेंटिंग वेंटिंग का देख रहे हैं। और ये इसी जो है उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन है। आपको बता दें कि ये बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे स्वास्थ्य विभाग का जो पदाधिकारी है या सरकार की ओर से
स्वास्थ्य विभाग को जो देख रेख करने वाले हैं, ये हमारे गांव पंचायत प्रखंड के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल है। दोस्तों आपको बता दें कि ये नया भवन निर्माण हो चुका है और ये पहले वाला जो भवन है आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। तो हमें लग रहा है कि नया भवन का जो है इसमें संचालन जो है पूरी तरह से जल्द ही हो जाएगा और अच्छी तरीके से उपचार का यहाँ व्यवस्था हो जाएगा। और आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैम से कि अब ये जो नया जो बिल्डिंग बना है इसमें क्या कुछ सुविधाएं आने वाली है, किस तरह से इलाज यहाँ होने वाला है। तो मैम नया जो भवन बना है इसमें क्या क्या सुविधाएँ होने वाला है, चूँकि भवन तो लंबा चौड़ा बना है। हाँ जी, पहली बात तो फर्स्ट उपकेंद्र का यही होता है कि फर्स्ट पहला डायग्नोसिस यहाँ से हो जाए। अगर किसी पेशेंट को दिक्कत है तो मतलब कुछ ऐसी छोटी मोटी दिक्कत का तो इलाज यहाँ हो ही जाए, लेकिन जो कुछ इंजरी वगैरह है तो फर्स्ट एड कम से कम यहाँ हो जाए। और जितने भी प्रेग्नेंट लेडी वगैरह हैं उन सभी का डायग्नोसिस और एंटीनेटल चेकअप वगैरह सब यहाँ मतलब चलता रहे, इस टाइप का सारी व्यवस्था यहाँ की जाएगी। यहाँ क्या लगता है कि डॉक्टर का भी प्रतिनियुक्ति होगी? अभी तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये उपकेंद्र का मेन हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य सामुदायिक अधिकारी को मेन यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन अगर आने वाले समय में डॉक्टर यहाँ आएंगे तो और अच्छी बात है, ये अच्छा पहल होगा। और यहाँ पे किस टाइप का पेशेंट आता है, किस किस टाइप का, तो आप लोग रिपोर्ट करते होंगे ना? जी, हम लोग करते हैं ऊपर रिपोर्ट, हमारा मंथली रिपोर्टिंग भी जाता है और हमारा आयुष्मान भारत का जो HWC पोर्टल है उस पर हम लोग डेली रिपोर्टिंग सब चीज करते हैं, डेली कंसल्टेंसी कितना हुआ डॉक्टरों के साथ। और अधिकतर ऑनलाइन सबमिट होता है यहाँ पे, जैसे फीवर, एब्डोमन पेन और डायरिया और ये सब चीज कफ, नॉर्मल बीमारी जो नॉर्मल जो होता है उन सब का पेशेंट यहाँ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध हो जाती है यहाँ पे और हमें यहाँ दवाइयाँ भी दिया जाता है। तो उसके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ें मुझे जानकारी मिली मैम से कि प्रसव से संबंधित यहाँ पे व्यवस्था होगा, टीकाकरण वगैरह सब का अभी ऐसे भी चलता है फील्ड पे। अच्छा। लेकिन यहाँ भी दिया जाए अभी फील्ड लेवल में, जैसा कि आपने बताया ANM नियुक्त है वो वार्ड स्तर पे या जो भी पंचायत स्तर पे है वो फील्डिंग कर रही है, लेकिन इस पे अस्थायी रूप से यहाँ पे व्यवस्था, हाँ अस्थायी रूप से भी व्यवस्था होगी यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रसव से रिलेटेड पहले जो है हमें जिला अस्पताल जाना पड़ता था, अगर मान लीजिए किसी के साथ रात के समय में या किसी ऐसे समय में उस तरह का जो है ये हो जाता था तो हमें जल्दबाजी में जो है गाड़ी भी नहीं मिलती थी और जैसे तैसे हमें जिला अस्पताल जाना पड़ता था। लेकिन अभी जो है यहाँ जो भवन बना है, जैसा कि मैम ने जानकारी दी, इसमें प्रसव से संबंधित सारा व्यवस्था यहाँ पे होगा और ये बहुत बड़ी बात है नेमनमा के लिए और ये राजपुर पंचायत किशनपुर प्रखंड के लिए। तो दोस्तों आपको फिर से बताना चाहूँगा कि प्रसव से रिलेटेड सारी सुविधा यहाँ होने वाली है और जल्द ही जो है ये तैयार हो जाएगा। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का काम खत्म होने के बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से स्वास्थ्य संचालन हो जाएगा। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण और रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए DNY न्यूज। मैं दुर्गेश, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।